मैं ये तो 50 साल से हो गया, 50 ईयर्स। हाँ 50 ईयर्स फोटोग्राफर लाल बाग। और आपका एज कितना है अभी? अभी 75। तो दोस्तों ये है लालबाग की मेन एंट्री। तो अगर आप लोग बहुत थक गए हैं तो पीछे आपके लिए रिफ्रेशमेंट भी है और रास्ते रास्ते में आपको बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें दिखेंगी। देखिए वहाँ पे हमारी फ्लोरल ब्लॉक है, अभी फ्लोरल पार्ट मिसिंग है क्योंकि अभी फूल यहाँ से हटाए दिए गए हैं, बाद में उग जाएंगे।
ऐसा नज़ारा आपके सामने हो तो घर जाने का मन किसका करेगा। ये देखिए आप, इन नज़ारों के साथ बैठी हूँ आपकी धर्मपत्नी टाइम पास कराने साथ में। आहा, खुश हैं, खुश हो भाई? ये देखो इसे मज़ा आ रहा है इसे। तो कहाँ, अभी घर नहीं जाना? ना अभी नहीं जाएंगे, थोड़ी देर में जाएंगे, थोड़ी देर अभी तो आराम करेंगे यहाँ बैठ के थोड़ी देर नेचर के साथ। ये देखिए आराम करने की जगह भी है, बर्ड्स की आवाज़ कितनी अच्छी लग रही है। अभी आप मेरे को बताइए, इसको बोलता टॉप एयर गार्डन बोलता है, इसको ग्लास हाउस गार्डन। जनवरी 26 अगस्त 15 के इसके अंदर ग्लास हाउस के अंदर फ्लावर शो होता है। अच्छा, हाँ, ये इसको बोलता टॉप एयर गार्डन। इधर से ना जाड़ 20 मिनियल पहले जाड़ जाड़ जाके पत्थर हो गया, इसको तमिलनाडु से लेके इधर रख किया। और आप यहाँ कितने टाइम से फोटोग्राफी कर रहे हैं? मैं 50 साल से हो गया, 50 ईयर्स। हाँ, 50 ईयर्स फोटोग्राफर लाल बाग। और आपका एज कितना है अभी? अभी 75। हाँ, 25 ईयर्स से, हाँ, से आपने शुरू किया। अभी फोन आ गया, फोन आ के टाइम में हमारे को काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया आपका। फोन आ कर पहले बहुत अच्छा है काम, पहले अच्छा होता। हाँ, MTR को राजकुमार सभी आ गया, उसको जाके उधर फोटो लेता रहता MTR होटल में। ओके, ओके। आके इधर यजमान आके पूछ के आओ, इधर राजकुमार आया, फोटो ले लो। अच्छा, ऐसा बोलते MTR। हाँ, MTR होटल में जाए तो MTR बड़ा होटल। ओके, थैंक यू सर। तो ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये 200 साल पुराना कॉटन, वाइट कॉटन सिल्क का पेड़ है, और ये बोर्ड पे लिखा हुआ है कि 200 साल पुराना है। अब ये बोर्ड कितना पुराना है ये मुझे भी नहीं पता है, तो 200 प्लस जो बोर्ड की एज है, तो इतना पुराना ये पेड़ है हमारे पास।
मन तो बिल्कुल नहीं हो रहा कि यहाँ से बाहर निकला जाए, इतनी बढ़िया छाया हो रही है। ये देखिए ये पेड़, एक इतना बड़ा पेड़ यहाँ कटा हुआ है, लेकिन सुंदरता है कि इसके तने के बीच से फिर एक नया अंकुर आ चुका है और ये पूरा फिर नया आगे चल के पेड़ बन जाएगा। और अब हम रास्ता भटक चुके हैं अंदर ही घूम रहे हैं हम बहुत देर से। एक्चुअली हम लोग आए थे यहाँ 7:30 बजे और अभी हो गया है 11:30। वो 4 घंटे से पैदल चल रहे हैं और खाया कुछ है नहीं, शुगर लेवल हो रहा है लो। अब आइसक्रीम खानी पड़ेगी, कहीं जाके आइसक्रीम ढूंढता हूँ पहले। अभी तो मेरा मन कर रहा है इस पे बैठ जाऊँ, उसमें ठेठी में ही मेरा एक काम बन जाएगा। हाँ तुम धकेलो इसे और मैं बैठ जाता हूँ। ये खुद पहले अपना खाने बैठ गई आइसक्रीम, ये नहीं मुझे दे पहले। पूरे 2 साल से ज़्यादा हुए कोविड टाइम के दौरान हमने आइसक्रीम बिल्कुल नहीं खाई थी, अब खा रहे हैं उसके बाद पहली बार इतने दिनों में बाद, मज़ा आ रहा है आइसक्रीम के पास में ही आपको कूड़ेदान मिल जाएगा कि जो आपने आइसक्रीम खाई है उसकी डंडी को आप यहाँ डिस्पोज करिए आराम से। और लाल बाग को लाल ही रहने दीजिए, कूड़े से भरिए मत। तो आज का सफर सिर्फ इतना ही, अगली बार तक के लिए नमस्कार दोस्तों।